प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे आइए शुरू करते हैं जमात की, की उर्दू की मश्क और ये है आपकी उर्दू की किताब बेटा आज की हमारी मश्क है अल्फाज मुतजाद के मुतालिक क्या आपको मालूम है अल्फाज मुतजाद होता क्या है मैं आपको बताती हूँ अल्फ मुतजाद उन उनफाज को कहा जाता है जो एक दूसरे के उलट मानी रखते हों जिसको इंग्लिश में हम वर्ड ओपोजिट्स कहते हैं वो उर्दू में कहलाते हैं अल्फाज मुतजाद आज हम इसी की मश करेंगे आइए मश शुरू करते हैं यहाँ मैं आपको चंद मिसालें देके समझाती हूँ पहला लफ्ज़ है दिन जिसका मुताद होगा रात नंबर दो झगड़ा सुला नंबर तीन फ़ायदा फ़ायदा का मुताद नुकसान नंबर चार शुरू शुरू का मुताद ख़त्म नंबर पाँच और आखिरी ऊपर जिसका मुतजाद होगा नीचे उम्मीद है आपको अलफाज मुतजाद समझ आ गए होंगे कि किन अल्फाज को कहा जाता है आइए कुछ नए अल्फाज मुताद की मदद से हम जुमले बनाते हैं पहला जुमला हमारे पास है आज का दिन गर्म था लेकिन रात कुछ ठंडी थी यहाँ अल्फाज मुत क्या हैं दिन रात एक दूसरे के मुतजाद हैं दिन रात नंबर दो मेरे जूते साफ़ हैं लेकिन मेरे कपड़े मैले हैं साफ़ और मैले एक दूसरे की उलट हैं एक दूसरे के मुतजाद हैं नंबर तीन च्यूटी कमज़ोर है और हाथी ताकतवर है कमज़ोर ताकतवर एक दूसरे के मुतजाद हैं बेटा उम्मीद है आपको अल्फाज मुतजाद को जुमलों में इस्तेमाल करना आ गया होगा आइए अब हम किताब की मशक जानब बढ़ते हैं यह है आपकी किताब के सफ़ा नंबर सोलह पे दी गई मश्क सवाल नंबर छः नीचे लिखे हुए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतजाद लिख कर जुमले मुकम्मल करें अब यहाँ एक लफ्ज आपने पढ़ा ख़त कशीदा आप सोच रहे होंगे इसकी क्या मानी है ख़त कशीदा की मानी होते हैं अंडरलाइन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अंडर उर्दू में उसको हम कहते हैं ख़ कशीदा अब यहाँ खत कशीदा क्या है पहला जुमला अभी उन्होंने खाना डैश नहीं किया था कि बाकी लोगों ने ख़त्म कर दिया ख़त कशीदा क्या है यहाँ ख़त्म आपको ख़त्म का मुतजाद लिखना है यहाँ पे दो मिसालें आपको दी गई हैं शुरू और आगाज़ अब आपको ख़त्म का मतजाद चुनना है कि शुरू हो सकता है या आगाज़ और इस डैश में लिखना है नंबर दो इस बात पर दोनों में बहुत डैश हुआ लेकिन बाद में सुलह हो गई खत कशीदा कौन सा है जल्दी से मुझे बताइए शाबाई सुलह यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं झगड़ा तकरार अब आपको चुनना है कि सही लफ्ज़ कौन सा है और इस डैश में लिख दीजिएगा नंबर तीन अगर तुम तीन दरहन ले लो तो डैश में रहोगे वरना नुकसान होगा नुकसान खत कशीदा है दो मिसालें हैं यहाँ पे फायदा और मुफीद अब आपको ये देखना है कि नुकसान का मतजाद फायदा हो सकता है या मुफीद हो सकता है और वो आपको इस डैश में लिखना है नंबर चार किसान डैश से शाम तक खेतों में काम करता है ख़त कशीदा लफ्ज है शाम शाम का मुतद क्या हो सकता है मैं आपको मिसालें देती हूँ सुबह और सवेरा अब बच्चों इन अल्फाज के सही मुत चुनकर डैश में लिखिए पिक्चर लीजिए और हमें स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए अल्लाह हाफिज़